प्रदेश की सरकार को सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी चाहिए, उन्हें बहुत खतरा है और बहुत सारे गनमैन उन्हें दे देनी चाहिए, उन्हें इस तरह का शौक भी है असली वाले लोगों को अपने साथ लेकर के चलने का। पहले भी उनका कल्चर रहा लोगों को धमकाने का और अभी वो कहने लगे थे कल को कि मैंने किसको धमकी दी, तो पूरा हरियाणा इस बात से बड़ा हैरान है, शायद उनके मेमोरी लॉस हो गया है। मैं उसको अर्जुन को कहूँगा वो देगा उसकी बात का, मैं मुंह नहीं लगना चाहता इन लोगों के, वो बेचारे जो उनको सिखा पढ़ा दिया जब तक बोल देते हैं। अभी इसकी अकल नहीं है कि इन चीज़ों का आने वाले समय में तुम्हें कभी ऐसा समय भी आ सकता है कि इसके लिए कितना शर्मिंदा होना पड़ सकता है। दिग्विजय चौटाला और अभय चौटाला के बीच जुबानी वार पलटवार बढ़ता ही जा रहा है। हालांकि देखा जाए तो अजय चौटाला के कुनबे में अभय चौटाला सबसे ज्यादा दिग्विजय चौटाला पर ही हमलावर रहते हैं, या फिर ये कह लें कि दोनों के बीच गाहे बगाहे जुबानी पलटवार चलता ही रहता है। इसी बीच इन दोनों के बीच एक नया जुबानी वार शुरू हो गया है। अभय चौटाला को धमकी भरे कॉल आने के बाद दिग्विजय चौटाला ने इस बाबत पहले तो कहा कि अरे धमकाने वालों को धमकी मिलनी शुरू हो गई, तो फिर से दिग्विजय चौटाला ने अपने एक और बयान में कहा कि सरकार को अभय चौटाला को बहुत सारे गनमैन दे देने चाहिए और अभय चौटाला को तो शौक भी रहा असले वाले लोगों को साथ लेकर चलने का। तो इसी बीच दिग्विजय चौटाला ने एक और बयान दिया था कि अभय चौटाला को विपक्षी दलों की बैठक में नहीं बुलाया गया तो उनकी टिकट धरी की धरी रह गई। अब दिग्विजय चौटाला के इस बयान बाबत पानीपत पहुंचे अभय चौटाला ने क्या कुछ कहा, ये आपको सुनाते हैं। दिग्विजय चौटाला का एक बयान आया था कि मेरे चाचा को ना वहाँ फ्लाइट की टिकट धरी धरी रहेगी, मतलब वो जाना चाह रहे थे जो विपक्षी दलों ने बैठक की थी। मैं उसको अर्जुन को कहूंगा वो देगा उसकी बात का, मैं मुंह नहीं लगना चाहता इन लोगों के, वो बेचारे जो उनको सिखा पढ़ा दिया जब तक बोल देते हैं। अभी इतनी अकल नहीं है कि इन चीजों का आने वाले समय में तुम्हें कभी ऐसा समय भी आ सकता है कि इसके लिए कितना शर्मिंदा होना पड़ सकता है। जो बादशाह बोल रहे हो अपने से बड़ों के लिए, उसके लिए कितना शर्मिंदा होना पड़ेगा ये सोच भी नहीं सकते। इसलिए मैं अर्जुन से पूछा करो उनके बारे में भी क्या है क्या नहीं। अभय चौटाला ने कहा कि मैं अर्जुन को कहूंगा वो इस बात का जवाब दें, यानी कि मान सकते हैं कि चाचा भतीजे के बीच जारी जुबानी पलटवार अब थमेगा नहीं। अभय ने तो यहाँ तक कह दिया कि दिग्विजय चौटाला को सोचना चाहिए कि वे बड़ों के लिए जिस भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं इसके लिए उन्हें भविष्य में शर्मिंदा होना पड़ सकता है। तो जाहिर सी बात है अभय चौटाला और दिग्विजय चौटाला के बीच जुबानी पलटवार जब भी हुआ है तो वो काफी लंबे समय तक चला है। अब भी ऐसे ही मान सकते हैं कि अभय चौटाला और दिग्विजय चौटाला के बीच जारी ये जुबानी पलटवार रुकेगा नहीं, कुछ न कुछ बड़ा होने के आसार जरूर नजर आ रहे हैं। बहरहाल आपका क्या सोचना है राय रखिएगा, साथ ही चौगड़े की खबरों के लिए बने रहिएगा हरियाणा तक के साथ। ब्यूरो रिपोर्ट हरियाणा तक।